तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा कि तुमने मेरी वीडियो पे 15,000 व्यूज़ कर दिए भाई। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और 200 सब्सक्राइबर बहुत ही सून होने वाले हैं। और सॉरी मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि बस अपने आप ही कभी कभी मेरा दिमाग चल जाता है, कभी कभी नहीं चल जाता। तुम समझ सकते हो यार, इतना ईजी काम नहीं है ये। पर 15,000 व्यूज़ और वाह, मेरे टॉप 10 वीडियोज़ में, मतलब इतनी जल्दी 15,000 व्यूज़, जबकि मेरी 10 वीडियो भी नहीं हुई, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, और 379 लाइक्स, और भगवान जाने कितने ज़्यादा कमेंट्स आए हैं यार, हर जगह सपोर्ट है। तो यार थैंक यू सो मच, और मैं ट्राई करूँगा और ज़्यादा इस पर रेगुलर वीडियोज़ डालता रहूँ। प्लस एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आएगी जो कि मेरे टॉप 5 गैजेट्स की जो मैंने 2020 में लिए हैं और मेरे सबसे ज़्यादा काम आए हैं। पर अभी के लिए ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो चलो शुरू करते हैं। गाइस आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज एक अनबॉक्सिंग है। अनबॉक्सिंग नहीं, वैसे ये पूरा अनबॉक्स भी है। और आज है अनबॉक्सिंग C270 वेबकैम की। ये है बाय द कंपनी लॉजिटेक। और सबसे पहले अगर वेबकैम्स, माउस, कीबोर्ड्स में अगर किसी का नाम सबसे पहले आता है तो वो लॉजिटेक ही है। और C270 ये रहा ये वेबकैम, काफ़ी सही कॉम्पैक्ट वेबकैम मैं बोलूँगा। और इसका डब्बा हमेशा यही नहीं आता तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है अगर तुमने ऑर्डर करा और इस डब्बे में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा काटा गया, उसका मतलब ये है कि तुम्हारा बस डब्बा अलग है, इसका और कुछ सीन नहीं है। तो आज हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। और चलो शुरू करते हैं। हुआ तो ये देखो, MRP इस प्रोडक्ट की है 2595, लगभग 2500, 2600, 2600 का ये वेबकैम है। और ये देखो कितना जाए इतना सा वेबकैम और 2600 का। मैं बिगनर्स के लिए से इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि ये जब भले ही 2600 का लिख रहा है पर देखो मुझे कितना है बड़ा, ये मुझे 2000, खैर 2000 से थोड़ा कम पर 2000 का पड़ा है। और काफ़ी सही डील है 2000 में। 720p और 30 FPS के साथ ये वेबकैम आता है। इसमें बस मुझे यही फॉल्ट लगी कि इसका जो कैमरा है वो 3 मेगापिक्सल का है। 3 मेगापिक्सल बहुत ही कम है। दूसरी ये चीज़ ज़्यादा मतलब नोटिस में नहीं आती कि बस 30 FPS का इसका रिफ्रेश रेट है। 30 FPS तुम्हें काम चलाओ तुम कह सकते हो, उससे अगर तुम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे तुम गेमिंग अगर अपनी करने वाले हो तो वो कभी कभी दिक्कत दे सकता है। बाकी अब हम इसे टेस्ट करते हैं। और अंदर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस एक फालतू सी मैनुअल है जैसे कोई नहीं पढ़ने वाला, बाकी ये पूरा कार्डबोर्ड है और कुछ नहीं है खाली। और इसका सॉफ्टवेयर तुम्हें ऑनलाइन मिलता है, उसकी एक लॉजिटेक की साइट है जो मैं तुम्हें बता दूंगा, वो तुम्हें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, उससे तुम आराम से इसे कैप्चर वगैरह कर सकते हो। चलो अब इसे ट्राई करके देखते हैं, लेट्स गो। इंस्टॉलेशन इस वेबकैम की ओके रिपोर्ट है। ये सिंपली बस एक प्लग एंड प्ले टाइप का वेबकैम है, बस तुम्हें अपना USB यहाँ पर कनेक्ट करना है। USB की केबल मैं बोलूँगा थोड़ी सी चीप क्वालिटी की है, ये बिल्कुल तुम्हारे मोबाइल के चार्जर से भी पतली है। और मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूँगा तुम किसी बच्चे या कुत्ते के आसपास मत छोड़ो इसे, क्योंकि 2 सेकंड में ख़राब हो जाएगी। खैर तुम क्यों ही करोगे, ठीक है। और यहाँ पे पतला सा इसका स्टैंड या होल्डिंग माउंट कैसे कह सकते हो तुम, होल्डिंग माउंट, ठीक है, ओके। तो बहुत ही प्यारा तरीके से ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। ये मैंने अपने मॉनिटर पे इसे एडजस्ट कर लिया। बाकी तो तुम्हें अब जैसे ही तुम इसे प्लग करोगे अपने आप इसमें सॉफ्टवेयर इसका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, सारे ड्राइवर्स वगैरह। पर फिर भी तुम्हें अगर नहीं डाउनलोड हुआ तो तुम्हें लॉजिटेक पे जाके ऑफिशियली इसका रजिस्टर करके वारंटी वगैरह अप्लाई करके तब जाके इसके सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स डाउनलोड होंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस वेबकैम में। बाकी 720 पिक्सल का इसका रेजोल्यूशन तुम्हें मोस्ट लाइकली काम चला देगा अगर तुम फर्स्ट टाइम स्ट्रीमिंग के लिए सोच रहे हो इसे। ये देखो मैंने डाल लिया इसका सॉफ्टवेयर, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तुम चाहो तो इसका क्विक कैप्चर यूज़ कर सकते हो कुछ रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए, बाकी
और भी इसमें सिस्टम्स आ जाते हैं, ये देखो ये तुम्हारा एक नॉर्मल एक शूट करने के लिए, बाकी तुम मेन मेन्यू पे जाके तुम अपना रिकॉर्ड भी कर सकते हो, बाकी से वेबकैम गैलरी भी है, तुम एडजस्ट भी कर सकते हो इसकी एंगल को, फोकस कर सकते हो और ज़्यादा, मोशन डिटेक्टर, इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, तो बस कैप्चर से मतलब होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और कैमरा क्वालिटी मैं इतना ज़्यादा, देखो मैं थोड़ा इस साइड आता हूँ, तो लग आइडिया लग जाएगा कि ये लिटरली सारी की सारी डिटेल्स कैप्चर कर रहा है मेरे रूम की। ओके, वहाँ पे शीरो सो रहा है वो तक आ रहा है इसमें, ठीक है। तो कैमरा क्वालिटी के बारे में मैं इसको बोलूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ है, बस 3 3 मेगापिक्सल का वो लेंस थोड़ा सा बेटर हो सकता था। पर यहाँ पे एक वो देखा तुमने, एक एलईडी होती है जो जलती है जब भी ये कैमरा यूज़ में होता, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी प्राइवेसी में कोई बकवास कर रहा है और कोई तुम्हारा कैमरा हैक करके बैठ जाए। तो जो कैमरा शाये बंदे हैं जो अपनी प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा रिपोर्ट रखते हैं, उनके लिए ये काफ़ी सही फीचर है एलईडी, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि ये कैमरा बहुत ही सही है, बिल्कुल धांसू तबाही जो मर्जी बोल लो। तो C270 तुम्हें 2000 का मिल रहा है, बिल्कुल उठा लो आंख बंद करके, 2500 का मिल रहा है सोच समझ के उठाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और अगर तुम्हें एक बेटर ऑप्शन चाहिए तो एक और आता है इसमें, C330, उसका 5 मेगापिक्सल का लेंस है। अगर तुम्हारा बजट थोड़ा हाई हो जाता है, मतलब 300 रुपये महंगा है वो, तुम्हारा बजट इतना है तो तुम वो भी उठा सकते हो, वो काफ़ी सही चीज़ है। और बस आज के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया लगी, इस वेबकैम को तुम लेते हो तो इसका रिव्यू मुझे क्या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बस थैंक यू, चलो बाय।